सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी के दिल को चोट पहुँचाकर उनसे माफी मांगना तो आसान होता है, पर खुद के दिल पर चोट खाकर किसी को माफ करना मुश्किल होता है। कौन कहता है कि रोना गलत है, मन की भावनाओं का यूं बहना गलत है। कभी कभी तो ये कुदरत भी रोती है, तभी तो ये हसीन बरसात होती है। क्रोध से शुरू होने वाली हर बात लज्जा और तबाही पर खत्म होती है। आज का पंचांग 15 जून 2022 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि दोपहर 1:32 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मूल नामक नक्षत्र दोपहर 3:33 तक रहेगी। इसके उपरांत पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:27 से 2:08 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी। आज सूर्य वृषभ राशि पर दोपहर 12:09 तक रहेंगी। इसके उपरांत मिथुन राशि में प्रवेश करेंगी। कुंभ राशि 15 जून 2022 दिन बुधवार, आज के दिन आपके लिए बहुत शुभ है। आपको वित्तीय क्षेत्र में अपने प्रयासों के चलते आप अपने परिजनों के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध चीज खरीदना चाहेंगी। बस इतना ध्यान रखें कि सारा पैसा खर्च ना करें, कुछ बचत भी कर लें। आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बहुत खास पल गुजारेंगी जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगी। आपको कोई अप्रत्याशित धन मिल सकता है। सोच समझ कर निवेश करें, जोखिम भरी सट्टेबाजी से बचें। आध्यात्मिक या रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से चिंता और उदासी को दूर किया जा सकता है। बुराई आपकी चिंता का कारण बनेगी। संबंधों में खासकर घनिष्ठ रिश्ते में चतुर बने चातुकार नहीं। आज एक अच्छी मित्रता का रिश्ता बनने वाला है, यहाँ तक कि दुश्मन भी दोस्त बनेंगे। यह रिश्ते कौशल ऊर्जा और कार्य क्षमता को बढ़ाएंगे। आपको लोगों को उत्साहित और उत्तेजित करने की भी जरूरत है। दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताने का भी योग है। सपने केवल देखने से पूरे नहीं होते बल्कि कड़ी मेहनत से पूरे होते हैं। घर में रखरखाव अथवा नवीनीकरण संबंधित गतिविधियों पर विचार होगा। आपके काम करने का जोश व जज्बा आपको गजब की सफलता देने वाला है, इसलिए मेहनत में कोई भी कमी ना करें। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी कुछ समय व्यतीत होगा। अभी तक आपके विचार पूरी तरह से गलत थे, इस बात का एहसास होगा। इस कारण कुछ देर पछतावा हो सकता है, लेकिन आप बदलाव करने की कोशिश करें। आज के दिन कोई बड़ी खरीद प्राप्त हो सकती है, इस कारण परिस्थिति की वास्तविकता को समझना आपके लिए संभव होगा। काम अपेक्षा के अनुसार आगे न बढ़ने की वजह से चिंता हो सकती है। मार्केटिंग पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। मन में उत्पन्न हो रही चिंता की वजह से रिलेशनशिप को खराब ना करें। उल्टी और अपचय की तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। उपचार या जांच में अनुकूलता रह सकती है। लोगों तक अपनी बात सहजता से पहुंचा सकती हैं। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। डिहाइड्रेशन से बचें। पार्किंग ठेकेदारों के लिए कमाई का समय है। चुनावी मामला पक्ष में आ सकता है। टिफिन पानी की लड़ाई लड़ रहे राजनेताओं को प्रसन्न होने का अवसर मिल सकता है। मानसिक स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। कार्यस्थल पर अनावश्यक विवाद भी हो सकता है। प्रत्येक कार्य धैर्य से करें। सामाजिक प्रतिष्ठा प्रभावित हो सकती है। कान की समस्या भी परेशान कर सकती है, ध्यान रखें। विधवाओं को नौकरी पाने संबंधित मामले में अनुकूलता भी रह सकती है। सावधानियां, कहीं भी खर्च अथवा निवेश करते समय सतर्क रहें। गलतियां हो सकती है। किसी के साथ बहुत अधिक वाद विवाद में ना पड़े। आज वाहन का प्रयोग बहुत अधिक सावधानी पूर्वक करें। बेहतर होगा कि आज स्थगित ही रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।
आपको आज घर में घुसे नहीं रहना है। आज बाहर निकलकर अपनी प्रिय के साथ मजे करने का दिन है। जो व्यस्त का साथी है वे अपना रिलेशनशिप स्टेट बदलने के लिए बहुत उत्सुक हैं और प्यार की तलाश में लगे हुए हैं। खुद से फिर सवाल करें, क्या आपके सपनों का राजकुमार बहुत ताकतवर ही होना चाहिए या आपको ज्यादा देखभाल करने वाला भावनात्मक आदमी चाहिए। कोई रिश्ता अगर इस समय काम नहीं आ रहा है तो वो लाइलाज बीमारी की तरह है। ऐसे में इस रिश्ते से छुटकारा पाना ही अच्छा विकल्प है। आपका व्यक्तित्व और मानसिक शक्तियाँ आपके प्लस पॉइंट हैं। अचानक कोई दुख या झटका आपको विचलित कर सकता है। आज का दिन नए दोस्तों और अच्छे संबंधों को अनुभव करने का दिन है। आपके विरोधी भी आज आपको सराहेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसे में अपने जीवन साथी को ना भूले, क्योंकि वो आपको जीवन के हर रास्ते पर प्रोत्साहित करेगा। उसे अपने प्यार की निशानी भी दें, इससे आपके बीच का विश्वास और अंतरंगता भी बढ़ेगी। बात करते हैं करियर की। आज किसी करीबी या सहकर्मी से संबंधित समस्या, दुर्घटना या अप्रिय खबर से आपका मन कामकाज में नहीं लगेगा। इसी क्रम में काम का दबाव भी बढ़ सकता है। अचानक प्राप्त हुई आय को आप अपनी सुख सुविधा के लिए प्रयोग में ला सकती हैं। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बस आगे बढ़कर इसे हासिल करें। आज आप अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। आपके प्रतिद्वंदी भी आपकी मदद करेंगे। जीवन के इस चरण में लोग आपकी सफलता में योगदान देंगे, इसलिए अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए यह समय उचित है। वो दे जो उन्हें चाहिए। दो मीठे बोल भी लोगों को खुश कर सकते हैं। आपके प्रतियोगी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी विस्फोटक आत्मविश्वास की भावना आपको अपराजय रखेगी। इस समय आप अपना विनम्र स्वभाव बंद करें, ताकि कोई आपका अनुचित लाभ ना ले। आपको कुछ अप्रत्याशित धन प्राप्त हो सकता है, जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। अपने व्यवसायिक योजनाओं व कार्य प्रणाली को किसी के समक्ष जाहिर ना करें, दुरुपयोग कर सकता है। सावधानी और सतर्कता बरतने से कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी टारगेट पूरा करने के लिए दबाव बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आज आप पर भावनाओं का काबू रहेगा। पिछले कुछ दिन से आपने अपने आप को बहुत नियंत्रण में रखा है, लेकिन आज आप अपनी भावनात्मक प्रवृत्ति को छुपाने की आपकी सारी कोशिशें बेकार हो जाएगी। किसी ऐसे काम से अपने पार्टनर को सरप्राइज दें। आपको अपने खुद के स्वभाव में कुछ गहरी विशेषताओं का पता चलेगा और अपने साथ साथ अपने पार्टनर को भी अच्छे से समझ पाएंगी। सेहत का पूरा ख्याल रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आज का उपाय। आज अब गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।